सामने दिखे ना दिखे हमारी टीवी स्क्रीन पर आज तक पर जरूर दिखेगा। वो एरियल व्यू आप देख रहे हैं, ये जहाज राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उठ के आएंगे। एक एक फॉर्मेशन के अंदर एक एक मिनट का गैप है। एक मिनट का गैप इसलिए रखा गया है कि जब तक वो कर्तव्य पथ को एक फॉर्मेशन पास करती है तो दूसरी फॉर्मेशन तभी आएगी। और कितनी दिव्य तस्वीरें हैं, ये हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, प्रचंड फॉर्मेशन है ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर। सभी दर्शकों की निगाहें आकाश की ओर, और एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, दो अपाचे हेलीकॉप्टर, दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क वन वी और एरोहेड फॉर्मेशन में। प्रचंड जहाज हमने इंडिया में बनाया है, आर्मी और एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुके हैं। तकरीबन 20 जहाज स्क्वाड्रन में पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा तकरीबन 200 जहाज हम दोनों सर्विसेज में एयरफोर्स और आर्मी ने लेने हैं। और देखिए अब जहाज नजर आने शुरू हो गए हैं, 5 हेलीकॉप्टर्स वो तकरीबन पूरा कर्तव्य पथ पास कर चुके हैं। प्रचंड फॉर्मेशन, यस। नेवी भी इसकी तैयारी में है इसे हासिल करने की, हालांकि अभी ये सार्वजनिक नहीं हुई है ये जानकारियां। टंगेल फॉर्मेशन, टंगेल फॉर्मेशन इसीलिए क्योंकि आपको उस युद्ध की याद आती है और आपको डकोटा विमान की याद आती है। आज भी वो जो डकोटा विमान था, जो 47-48 की बात हो या फिर उसके आगे 71 में भी उसके इस्तेमाल की बात हो, तो आपको वो विमान आज भी है, मौजूद है, परशुराम के नाम से जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये डकोटा विमान 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने में उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में टंगेल ड्रॉप गिराए, तो 800 सिपाही थे पैराड्रॉप, लेकिन खबर छपी कि एक ब्रिगेड ने एयर ड्रॉप किया है और उससे घबरा गया था पाकिस्तान, आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तान ने। ये वो परशुराम, वो विमान डकोटा, साथ दो डॉर्नियर विमान उड़ रहे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी थी कि किस तरीके से जो सारे सैनिकों को ड्रॉप किया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था टंगेल में एयर ड्रॉप हुआ था, और सैनिकों को कैसे ऐसे ड्रॉप किया जाए कि हर कंपनी एक साथ एक जगह पर रहे। अलग अलग विमानों ने अलग अलग जगहों से उड़ान भरी थी और वहां टंगेल के ऊपर एक ऐसा दृश्य जिससे दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अर्जुन, ये जो फॉर्मेशन है बहुत ही जबरदस्त, C-295 एयरक्राफ्ट लीड में है, 2C-130J विमान, ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के, बैकबोन भारतीय वायुसेना की, टैक्टिकल बहुत जबरदस्त C-130J अमेरिका में निर्मित विमान है। C-295 भारत शक्ति को बढ़ाते हैं मार्शल चोपड़ा। या C-295 इंडिया में बन रहा है, बनना शुरू हो गया है, पहला जहाज इंडक्ट कर चुके हैं, और C-130 स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट है, तो डीप पेनिट्रेट करेगा एनिमी लाइंस के अंदर और इसमें पैरा ट्रूपर जाएंगे, उनको लैंड कर भी किया जा सकता है या ड्रॉप किया जाएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी इंडिया के पास है। और चूंकि आसमान में निगाहें उतनी ही अहम है, इसीलिए आप नेत्र फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक AEW&C विमान और दो Su-30 विमान आपको दिख रहे हैं। ये बादलों से ऊपर यानी जमीन से हजारों फीट ऊपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। आकाश में आपकी आंखें होना, दुश्मन के इलाके में नजर रखना, चाहे वो आकाश में हो या जमीन पे, और ये जो नेत्र विमान है, एडवांस अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन जो भारतीय वायुसेना का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है युद्ध के मैदान में। जैसे भारतीय नौसेना का जो अगला फॉर्मेशन आ रहा है, एक P-8I और दो Su-30, एयर मार्शल सिन्हा और एडमिरल सिन्हा जो P-8I है, लद्दाख से लेकर हिंद महासागर भारत का वर्चस्व स्थापित करता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, P-8I जब से हमारे पास आया है, हमारी जो टो करने की क्षमता है समुद्र के ऊपर पूरे इंडियन ओशन, जैसा कि आपने कहा कि लद्दाख में भी उसका इस्तेमाल हुआ है, तो उसके ऊपर नजर रखते हैं कि कौन सा शिप कहां से कहां जा रहा है, और उसमें डेटा लिंक है जो कि ग्राउंड स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हमेशा ऑनलाइन खबर देता रहता है अपने शिप की और सबमरीन्स की। और अब भीम को देख रहे हैं आप, क्योंकि C-17 है और दो Su-30 विमान है। आप ये भी समझिए कि इन सबको एक साथ किसी ऐसे समय पर आसमान में उड़ान भरना आसान नहीं होता है, इसके पीछे प्रशिक्षण भी है और अभ्यास भी है। ये C-17 और दो Su-30 विमान जो कि एक विक फॉर्मेशन में दिख रहे हैं।
स्टैंड के पीछे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाई पास कंट्रोल बनाया गया है, जहां से जहाजों को कंट्रोल किया जा रहा है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उनकी अलाइनमेंट के लिए अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी दिया जा रहा है। और ठीक उसके पीछे भारत का जो असल डायमंड है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, हल्के लड़ाकू विमान तेजस। ये पहली बार है जब तेजस को इस फ्लाईपास्ट में शामिल किया गया है। कई बार ऐसा हुआ कि उसके मॉडल्स इस्तेमाल हुए, लेकिन सबको इंतजार ही रहा कि तेजस को असल में कब हम कर्तव्य पथ के ऊपर उड़ान भरते देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये भीम का एक विहंगम दृश्य और हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। C-17 भीम और Sukhoi-30 में जो कैमरा लगा है, Su-30 से C-17 इस समय और C-17 से हम Su-30 से दिखा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है ये तस्वीरें और ये भारतीय वायुसेना की शक्ति, आकाश में उनका टोटल कंट्रोल हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन भारत का डायमंड अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तेजस, चार तेजस विमानों के साथ डायमंड फॉर्मेशन। ये तेजस विमान यहाँ बना रहे हैं, ये भारत की मेक इन इंडिया को बहुत बड़े तरीके से दर्शाता है। प्रधानमंत्री खुद उन्होंने उड़ान भरी तेजस में, प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी और तेजस अभी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस में डिस्प्लेज में कई बार पार्टिसिपेट कर चुका है। पहली बार हम कर्तव्य पथ पे इसको देख रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। और अब देखिए तेजस विमान छोटे बेहद, बहुत वर्सेटाइल, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से उड़ान भरते हैं, इतने बढ़िया से मैनूवर हो सकते हैं, वर्सेटाइल उनकी भूमिका है और ये भारत का गर्व है। लेकिन एक तरफ तेजस विमान है, दूसरी तरफ राफेल है। राफेल को आपने आसमान में जरूर देखा है, लेकिन इस बार थोड़े कर्तव्य उसके अलग होने वाले हैं। और एक साथ जब उन राफेल की गर्जना आप सुनते हैं आसमान में, तो एक अलग ही वहां पर वातावरण हो जाता है। वज्रांग हम देखेंगे जब 6 रफाल विमान एक साथ, तेजस, मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा संदेश, रफाल एक शक्ति प्रदर्शन और दोनों एक के बाद एक। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए मिड एयर रिफ्यूलर्स और बीच में DPSA डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, एक एक विमान से एयर मार्शल चोपड़ा बहुत क्लियर संदेश दिया जा रहा है दुश्मन को। यह आवाज, ये गर्जना सुनिए, वायु शक्ति का प्रदर्शन है, रिपब्लिक डे परेड है, ये ओकेजन है अपनी माइट दिखाने के लिए। हमने थल सेना और नौसेना की माइट जमीन पे देखी, अब एयर में हम देख रहे हैं जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, माइंड यू जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं वो भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उनका भी कॉम्बैट रोल है। अपने इंडिजिनस नेत्रा जो है वो इंडिजिनस था और अभी देख रहे हैं ये जैगुआर एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन। लड़ाकू विमानों की जब आप बात करते हैं तो आप शक्ति प्रदर्शन उसका जिक्र होता है और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो आपके जैगवार्स है, यानी बहुत तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, अटैक करते हैं, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और फिर जल्दी से वापस आ सकते हैं दुश्मन के जागने से पहले। लेकिन मार्शल चोपड़ा, इसके मिड एयर रिफ्यूलिंग का एक जो हिस्सा है जो शायद आम लोग नहीं समझ पाते हैं, वो ये कि उतनी देर तक वो विमान उड़ान भर सकता है, पर उस समय जो फाइटर पायलट होता है उसका क्या, जिसके पास एक ऐसी कॉकपिट है जिसमें वो बहुत ज्यादा हरकत भी नहीं कर सकता, घंटों उसमें सवाल। वायुसेना के सारे जहाज में देर रिफ्यूल हो सकते हैं। देखिए एक या दो रिफ्यूलिंग करने से जो रेंज बढ़ जाती है एक जहाज की, खास करके जो जैगवार्स ने, और ये भारत की शक्ति, भारत का गर्व, भारत के रफाल विमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बजरंग फॉर्मेशन है, देखिए आप देख सकते हैं 6 रफाल है, एक फ्रंट में है और बाकी 5 विंग फॉर्मेशन में है। रफाल एक सिर्फ भारत का नहीं मगर सारे रीजन का एक गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। कैमरे पर आप ऐसे देखते हो तो आपको लगता है पूरी पूरी तरीके से स्थिर है। आप देखिए जो सामने लोग हैं कर्तव्य पथ पे, उनकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो आज तक पर देख रहे हैं उनके टीवी स्क्रीन पर ये राफेल विमान लगातार अपनी शुरुआत से लेकर अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं। और जो राष्ट्रपति फ्रांस के अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझा रहे हैं, शायद राफाल के बारे में ही बात कर रहे होंगे। जब पूजा पाठ की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाकर, जब राफेल विमान हमने ये वाले अर्जित किए, बड़ा विवाद भी हुआ था
लेकिन ये परंपरा हमारी सैन्य तौर पर भी चलती रही है। और ये दृश्य देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है, आपके Su-30 MKI यानी लगभग एमाशन चोपड़ा 8 से 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम ये लड़ाकू विमान जो भारत की इस समय भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। ये ट्रेडिशनल मनूवर करते हैं, इनका नाम त्रिशूल फॉर्मेशन है, वेस्ट में कमांड का भी जो चिन्ह है वो त्रिशूल है। अब देखेंगे जब ये ओवरहेड आएंगे ये स्टैंड के ऊपर ये स्प्लिट करेंगे और उसके बाद जब ये एक त्रिशूल के उनकी जो जेट एग्जॉस्ट है उससे त्रिशूल बनाएंगे स्काई के अंदर, अच्छी विजिबिलिटी में आपको क्लियरली वो त्रिशूल नजर आएगा। शिव जी का वो त्रिशूल जो कि लोगों की रक्षा भी करता है और जो दानव है उनका संहार भी करता है, ये वही त्रिशूल फॉर्मेशन है जो देश के दुश्मनों को एक संकेत देता है कि आंख उठाओगे तो संहार कर दिया जाएगा। ये उसी फॉर्मेशन में अभी आपको भले लगे कि हवा में बिल्कुल स्थिर है लेकिन ये कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से आसमान को चीरते हुए आगे की ओर उड़ान भर रहे हैं। और अब सबकी नजर एमाशन चोपड़ा उस विजय फॉर्मेशन और ये वी साइन विक्ट्री साइन दिखाते हुए वो रफाल पायलट अंतिम फॉर्मेशन विजय फॉर्मेशन शो स्टॉपर होगा। हम वो वर्टिकल चाली भी देखेंगे हिमाचल चोपड़ा। ये जो विजय है ये रफाल है ये एक वर्टिकल चाली करेगा, वो वर्टिकल चाली का मतलब है वो राष्ट्रपति को सलूट कर रहा है, इस देश को सलूट कर रहा है। वर्टिकल चाली एक विक्ट्री का साइन होता है, नॉर्मली जब कोई फॉर्मेशन अटैक करके आती है तो जब वापस आती है अपनी एयर बेस के ऊपर तो एक वर्टिकल चाली करती है। देखिए उसने वर्टिकल चाली शुरू कर दी है, सब लोग ऊपर को देख रहे हैं, आकाश की तरफ देख रहे हैं। अभी तो गड़गड़ाहट सिर्फ सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि कोहरा और बादल इतने ज्यादा है, लेकिन देखिए जैसे वर्टिकल चार्ली हम बोला करते थे अब हम उसे विजय के तौर पर यहाँ देख रहे हैं। बहुत तेजी से आसमान की तरफ बिल्कुल गोल घूमते हुए चक्कर घिन्नी समझ लीजिए आप, उस तरीके से बिल्कुल तेजी से आसमान में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हुए ये विमान जो कि आज का अंतिम फॉर्मेशन होने वाला है ये विजय फॉर्मेशन, भारत की ताकत, भारत सर्वदा विजय। और संदेश क्या है, युद्ध में जीत हुई है भारत के इन वीरों की और जीत के समय वो जीत का जश्न कर दिखाया, मार दिखाया। और ये देखिए युवा पीढ़ी कितनी इंस्पायर्ड है, कितनी प्रेरित है इस समय ये युवा पीढ़ी, क्योंकि यही तो भारत के कर्णधार है, यही तो आगे के नेता भी है, जवान भी है और पायलट्स भी है, एयर वॉरियर्स से लेकर सेलर्स तक देश की रक्षा के लिए तत्पर। अब प्रस्थान के लिए राष्ट्रपति तैयार होंगी, उनके अंगरक्षक कर्तव्य पथ की ओर वापस आगे के हिस्से में आएंगे। अब अपने अंतिम चरण